बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ एट क्लास, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इट इज़ योर जनरल साइंस क्लास टाइम एंड जैसे कि आपको पता है हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने केमिकल रिएक्शंस को देखा, उसकी टाइप्स को देखा, केमिकल इक्वेशन को देखा। अब हम देख रहे हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग को हम देखेंगे। आप बैलेंसिंग को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको बैलेंसिंग करते हुए हेल्पफुल होंगे। इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं कुछ चीज़ों को, हम उसमें डिफरेंशिएट कर लें जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्टली रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। अगर हाइड्रोजन के दो एटम रिएक्ट कर रहे हैं स्टार्ट में, तो मीन्स प्रोडक्ट के अंदर भी हाइड्रोजन के दो ही एटम होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन के फोर एटम रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के अंदर भी उसके फोर ही एटम होने चाहिए। पहली बात तो ये आ गई कि रिएक्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट, मीन्स रिएक्टेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स किसी भी मॉलिक्यूल के तौर पे या कंपाउंड के तौर पे या एलिमेंट के तौर पे प्रेजेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट के अंदर भी होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आ गया ये। सेकंड पॉइंट है कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट के दरमियान डिफरेंस। आपको ये चीज़ डिटेल में पता होनी चाहिए कि बैलेंसिंग में हम चेंज करते हैं कोफिशिएंट्स को और सबस्क्रिप्ट जो होते हैं वो चेंज नहीं होते। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोफिशिएंट और सबस्क्रिप्ट में क्या फ़र्क है। पहले देखते हैं सबस्क्रिप्ट को। आप ब्लू कलर के एरो देख सकते हैं, हाइड्रोजन के साथ टू लिखा है मींस टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ टू लिखा हुआ है मींस टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपने सिर्फ ब्लू कलर का मार्क देखना है जहाँ पर लिखा है, मैं उस टू की बात कर रही हूँ। इसी तरह H2O वाटर में देखें टू, वो वाला टू जो रेड ब्लू कलर के एरो से शो किया गया है वो क्या है, सबस्क्रिप्ट है। और सबस्क्रिप्ट क्या शो करते हैं, नंबर ऑफ एटम। सबस्क्रिप्ट शो द नंबर ऑफ एटम। सो सबस्क्रिप्ट जो है वो बैलेंसिंग के दरमियान में चेंज नहीं होते। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताती चलूँ कि अगर सबस्क्रिप्ट चेंज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैलेंसिंग में H2O की जगह आपको 3H चाहिए बैलेंसिंग में, आप H3O नहीं लिख सकते बिकॉज वाटर का फार्मूला क्या है, H2O। जब आप H3O करेंगे तो वो सब्सटेंसी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इट्स मीन्स सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ आपको समझ आनी जानी चाहिए कि सबस्क्रिप्ट कौन से होते हैं जो नंबर ऑफ एटम को शो करते हैं, जो ब्लू कलर के एरो से आपको लेबल हुए हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड हम देखते हैं कोफिशिएंट को। कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट शो करते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को। अब इसी पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं इसमें जो रिएक्शन हुआ हुआ है उसमें फर्स्ट में क्या है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ देखें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, इट्स मीन्स वन है, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह वाटर के साथ देखें आप प्रोडक्ट के अंदर, इट्स मींस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, टू जो है वो क्या है, कोफिशिएंट है। आई होप यहाँ पर आपको कोफिशिएंट एंड सबस्क्रिप्ट की समझ आ गई होगी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड सबस्क्रिप्ट। कोफिशिएंट शो द नंबर ऑफ एटम एंड सबस्क्रिप्ट शो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द रिएक्शन।